गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वी वर इन मोशंस ऑफ द अर्थ एंड वी वर लर्निंग डे एंड नाइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट बाय दिस एक्टिविटी. ओके, फर्स्ट यू नीड अ ग्लोब एंड अ कैंडल. Place a globe in front of a candle in a dark room. Okay, the room has to be dark. Room dark hona chahiye means light should be off. Aur aise jaise is picture mein dikhaya gaya hai, like that way you have to place the candle and the globe. Light the candle and you see the half of the globe light up while the other half remains in darkness. तो आप ऐसे कैंडल और ग्लोब को रखोगे तो व्हाट यू विल सी दैट जो आधा ग्लोब है मींस हाफ ऑफ द ग्लोब इज कवर्ड विथ लाइट और आधे ग्लोब में डार्कनेस है. मार्क अ पॉइंट पी ऑन द डार्क पार्ट ऑफ द ग्लोब. नाउ रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट थ्रू 90 डिग्री. तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, जो ग्लोब होता है मीन्स जो अर्थ होता है दैट रिवॉल्व्स. अर्थ कैसे घूमता है, वेस्ट से ईस्ट घूमता है. ओके, तो हमें भी ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट साइड तक धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट करना है. बट उससे पहले व्हाट वी हैव टू डू, ग्लोब के किसी भी एक पॉइंट पे बीच में आपको पी, यू कैन राइट पी, मतलब आपको एक मार्क करना है. ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग. सो हियर वी हैव रिटन पी ग्लोब के बीच में. एज यू रोटेट द ग्लोब द पॉइंट पी बिगिंस टू गेट सम लाइट फ्रॉम द कैंडल. तो आप धीरे धीरे जब ये ग्लोब को घुमाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पी वाला पॉइंट है उसमें धीरे धीरे लाइट आना स्टार्ट होगा. नाउ मूव द ग्लोब फादर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यू विल ऑब्जर्व दैट नाउ पी हैज सनशाइन. तो धीरे धीरे जब आप घुमाना स्टार्ट करोगे सो व्हाट विल हैपन, पी को अभी सनशाइन मिलना स्टार्ट होगा. नाउ फर्दर रोटेशन, पी फेसेस द कैंडल, दिस इज द नून टाइम. और जब पी बिल्कुल कैंडल के सामने आ जाएगा तब क्या होगा, पी को ज़्यादा लाइट मिलेगी, है ना. पहले हमने क्या देखा कि थोड़ा थोड़ा कम लाइट मिल रहा था, फिर ज़्यादा. बट पी जब एकदम कैंडल के सामने आ गया, नाउ इट रिच, इट गेट्स मोर लाइट फ्रॉम द कैंडल. मीन्स क्या, ये नून टाइम है, मीन्स अर्थ को ऐसे ही सन से लाइट मिलती है. अर्थ ऐसे ही घूमता है बिल्कुल सन के सामने, और जब वो पॉइंट सन के सामने आ जाता है तब सन को एकदम ज़्यादा, सन से बिल्कुल ज़्यादा लाइट मिलता है अर्थ को, तब नून टाइम होता है. मीन्स नून टाइम मीन्स दोपहर का टाइम. एज वी कंटिन्यू टू रोटेट द ग्लोब पी एक्सपीरियंसेस अ लॉस ऑफ लाइट, दिस इज सनसेट. और जब पी को हमें रुकना नहीं है, ओके, पी को हमें घुमाते ही रहना है, मीन्स ग्लोब को हमको घुमाते रहना है, और क्या होगा, धीरे धीरे पी को लाइट मिलना ख़त्म हो जाएगा. जब वो कैंडल से दूर जाता रहेगा द लाइट विल डिसअपियर, धीरे धीरे लाइट कम होती जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, अंधेरा हो रहा है, मीन्स सनसेट हो रहा है. When P reaches exactly the opposite side of the candle, there is complete darkness. This is midnight. और P जब candle के बिल्कुल opposite direction में चला जाएगा, then what will happen? P को बिल्कुल light नहीं मिलेगी. So this means now it is night. अभी dark हो गई है and midnight हो गई है. तो this is an activity that you can do in your home also. ठीक है, ये इस एक्टिविटी से वी कैन लर्न हाउ अर्थ गेट्स सनशाइन फ्रॉम द सन एंड हाउ नाइट कैसे होती है, दैट ऑल्सो वी कम टू नो.
ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स है दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल डेफिनेटली शेयर यू इट्स PDF. नाउ लेट्स लर्न रेवोल्यूशन. देखो अर्थ जो होता है ना वो दो तरीके से रिवॉल्व होता है, दो तरीके से घूमता है. फर्स्ट वो अपने आप ही घूमता रहता है, मतलब इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस. जो हमने सीखा था वो अपने आप भी घूमता रहता है, प्लस उसके साथ साथ ही वो सन के आजू बाजू भी घूमता रहता है. फर्स्ट वो अपने आप अपने जगह पे घूमता रहता है जिससे हमें डे एंड नाइट होती है. एंड सेकेंडली वो कहाँ पे घूमता है, सन के चारों ओर घूमता रहता है. इट ऑल्सो रिवॉल्व्स राउंड द सन. नाउ दिस इज रेवोल्यूशन. ओके नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस रेवोल्यूशन. While rotating on its tilted axis, the earth also moves round the sun on a fixed path. तो ये जो earth है वो sun के जो sun को घूमता रहता है उसका एक fixed path है. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि earth अपने जगह से हिला है. Okay, it is always in its path only. वो sun को घूमता रहता है, ठीक है, और वो कभी भी अपने जगह से हिला नहीं है. इट इज़ ऑलवेज इन इट्स ओन पाथ.